सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स वी नो दैट दे आर द कंपाउंड दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन polyhydroxy ketone which produce simpler units simpler unit or simple compound of the carbohydrate carbohydrate family that is such as glucose fructose राइबोस, एटसेट्रा तो ये हमारे डेफिनेशन हो गए कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर एग्जांपल, सुक्रोज मेल्टोज एट्सेट्रा दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स अब हमें स्ट्रक्चर लिखना है अल्फा डी माइनस प्रैक्टो का प्रैक्टो फ्योरिनोज यहाँ पर फ्योरिनज दिया है इसका मतलब ये फाइव मेंबर रिंग है क्योंकि अगर पैरिनोज रिंग होती है तो वो होती है सिक्स मेंबर रिंग तो ये अगर फ्योरेनोज दिया है तो ये होगी फाइव मेंबर रिंग बिकॉज हमें हावर्थ प्रोजेक्शन लिखना है तो उसमें रिंग बनाते हैं और अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर है तो उसमें हम फेसर प्रोजेक्शन में प्रो प्रोजेक्शन में लिखते हैं लेकिन अगर आवर्त प्रोजेक्शन है तो हम उसमें रिंग स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा दैट इज़ सी एस टू ओ एच सी एस टू ओ एच एंड सी एस टू एच वहाँ पे पर टैच होगा उस कार्बन पर एंड यहाँ पे ओ एच ये ओ से बॉन्डेड है एंड यहाँ पर अगेन ओ एच दैट इज दिस बॉन्डेड टू दिस कार्बन दैट इज़ ओ एच यहाँ पे भी ओ OH एच होगा एंड यहाँ पे होगा सी एच टू ओ एच दैट इज़ सी एच टू ओ एच ये हमारा होगा रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द आरफा डी माइनस फ्रैक्टोफ्यूरिनोस का एंड ये हमारे हो गए कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन थैंक यू क्लास से ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करे डाउट नटाप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर